अस्सलाम वालेकुम, कैसे व्यूअर। आज मैं आपको बताऊंगा cx.ai पे अकाउंट किस तरह क्रिएट करते हैं और इसको किस तरह वेरीफाई करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। और हाँ, अगर बेल आइकन को नहीं दबाया तो प्लीज़ बेल आइकन को दबाएं ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको सबसे पहले पहुँचे। तो टाइम ज़ाया किए बगैर चलो चलते हैं स्क्रीन की तरफ। अब हम अपने cx.io को एप्लीकेशन को ओपन करेंगे। ओपन करके अब हम यहाँ यह है कि क्रिएट अकाउंट लिखा है, वेरीफाई योर आइडेंटिटी, स्टार्ट गेनिंग फ्रॉम ट्रेडिंग। अब हम क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ कह रहे हैं इंटर योर ईमेल, तो अपना ईमेल लिखेंगे। ईमेल से ही लिखने से ये फिर ईमेल लिख कर यहाँ नीचे पासवर्ड आता है, तो पासवर्ड लिख कर पासवर्ड ऐसा लिखना है कि आपको याद रहे, सही है। फिर नीचे ये कंट्री ऑफ रेजिडेंस आ जाता है, तो फिर इस पर क्लिक करेंगे। मैं पाकिस्तान में, तो मैं पाकिस्तान सेलेक्ट करूँगा। आप जहाँ भी हैं उस कंट्री सेलेक्ट करें, सही है। फिर यहाँ इन दोनों को टिक करके रजिस्टर पे क्लिक करना है, सही है। फिर यहाँ कैप्चा आ जाएगा, यहाँ पर अभी लिख सेलेक्ट ऑल इमेज विद कार्स की जितनी इमेज है वो सेलेक्ट करें, सही है। तो कार की इमेज सेलेक्ट करके पे क्लिक करेंगे। फिर आपको एक ईमेल आएगा, तो उसका ईमेल को कन्फर्म करना है। यहाँ पर अब हम अपना कोड सेट करेंगे। कोड सेट करके अब हमारा अकाउंट क्रिएट हो चुका है। अब हम इसको वेरीफाई करेंगे, सही है। अब हम यहाँ वेरिफिकेशन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ आइडेंटिटी वेरिफिकेशन स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ कंट्री सेलेक्ट करेंगे, मैं पाकिस्तान में, तो मैं पाकिस्तान सेलेक्ट करूँगा। फिर यहाँ ज़िप कोड, फिर यहाँ ज़िप कोड लिख कर फिर नीचे स्टेट आ जाता है, सही है। स्टेट लिख कर फिर सिटी, सिटी लिख कर फिर स्ट्रीट एड्रेस आ जाता है, सही है। यह सब कुछ लिख कर, सही। अब हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करके फिर फ़ोन वेरिफिकेशन आ जाता है। फिर यहाँ पर अपना फ़ोन लिखेंगे, फ़ोन नंबर जो है ना, उस पर फिर एक कोड आएगा। कोड को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करना है, सही है। पेस्ट करके फिर सबमिट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ फेस की स्कैनिंग करेंगे, तो ओके लेट्स गो पे क्लिक करेंगे। अब अपने चेहरे को सेंटर में रखना है, सही है। अब ये देखें, सेंटर में रख कर होल्ड करेंगे, फिर ये तस्वीर लेंगे, सही है। तस्वीर लेकर अब ये देखें, तस्वीर इसने ले ली। अब ये प्रोसेसिंग कर रहे हैं। अभी ये 42% कम्प्लीट हो चुका है हमारा करंट प्रोग्रेस, सही है। अब हम डॉक्यूमेंट्स टाइप पे क्लिक करेंगे। ये देखिए, इंटरनेशनल पासपोर्ट, नेशनल आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस। अब मैं आईडी कार्ड से कर रहा हूँ, तो मैं आईडी कार्ड पे क्लिक करूँगा। फिर एनएससी का फ्रंट पेज का तस्वीर लेंगे, सही है। इसको अपलोड करेंगे। फिर बैक साइड का तस्वीर लेंगे, उसको अपलोड करके फिर पर्सनल इंफॉर्मेशन यहाँ पर लिखेंगे, सही है। यहाँ ऊपर फुल नेम, फिर नीचे लास्ट नेम, फिर डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, नेशनलिटी, सही है। यहाँ पर सब लिख कर सही तरीके से कि गलत ना हो, फिर इसको नेक्स्ट करेंगे। फिर यहाँ ऊपर सीरियल नंबर लिखेंगे, इशू कंट्री लिखेंगे, कब इसने इशू किया, सही है। डॉक्यूमेंट हैज़ एन एक्सपायरी डेट, जब एक्सपायर होगा उसका तारीख लिखेंगे, फिर एक्सपायरी डेट, सही है। नेक्स्ट करके ये थोड़ा प्रोसेस करेगा, सही है। अब ये देखें, आइडेंटिटी वेरीफिकेशन इन्फॉर्मेशन नॉट लॉस, कंग्रेचुलेशन योर आइडेंटिटी हैज़ बीन वेरीफाइड, सही है। तो कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अब हम इसको दोबारा ओपन करके, सही है, यहाँ पर पासवर्ड लिख कर अपना जो हमने पासवर्ड लिखा था पहले, सही है, उसको लिख कर अब हम होम पेज पे आएंगे। ये देखें, होम पेज पे हम आ चुके हैं। प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे, और ये देखें हम वेरीफिकेशन पे क्लिक करेंगे। ये तो प्रोसेस करेगा, सही है। प्रोसेस करने के बाद अब ये देखें, आइडेंटिटी वेरीफिकेशन कम्प्लीट हो चुका है। अब हम अपना एड्रेस वेरीफिकेशन कम्प्लीट करेंगे, तो स्टार्ट पर क्लिक करेंगे। अब हम डॉक्यूमेंट्स टाइप पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ देखिए, यूटिलिटी बिल आ गया, इलेक्ट्रिक बिल आ गया, बैंक स्टेटमेंट, टैक्स रिटर्न, अदर एड्रेस डॉक्यूमेंट, सही है। आपके नाम पे जो भी हो वो आपने अपलोड करनी है। मेरे नाम पे तो कुछ नहीं है, तो मैं अपना बिल स्टेटमेंट शो करूँगा, सही है। बैंक स्टेटमेंट क्लिक करके अब यहाँ नेक्स्ट करेंगे। फिर यहाँ पर फाइल अपलोड करेंगे, सही है। अब यहाँ पर मैंने फाइल अपलोड कर ली है, ये देखें, सही है। तो अब मैं नेक्स्ट पर क्लिक करूँगा। अब थोड़ी देर बाद हम वेरिफिकेशन करेंगे। अब हम वेरिफिकेशन पे क्लिक करेंगे, सही है। अभी ये प्रोसेस कर रहे हैं। अब ये देखें, हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, एड्रेस वेरिफिकेशन भी कंप्लीट हो चुका है, सही है। तो इस तरह आइडेंटिटी वेरिफिकेशन और एड्रेस वेरिफिकेशन हमारे दोनों कंप्लीट हो चुके हैं, तो हम अब इसमें सेट वगैरह कर सकते हैं, सही है।
उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर कोई मसला आ रहा हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह पामान।